गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमका लास्ट टॉपिक कोनिक सेक्शन का और ठीक है हाइपरबोला को देखेंगे आज एक बार। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हाइपरबोला हमने बात करी थी पहले, ठीक है हमने कोनिक सेक्शन कराया था तो उसके इस शुरुआती बात करी थी। तो कोनिक सेक्शन के सॉरी हाइपरबोला की बात हमने करी थी कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि हाइपरबोला को अगर डिफाइन किया जाए वो तो एंगल जब कम हो जाए, वो हमने बात करी थी ठीक है, अल्फा से कम होने वाली बात हमने करी थी। तो अगर इसको और अच्छे से अगर हम डेफिनेशन की देखें तो हाइपरबोला क्या होता है, तो दरअसल क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स तो है ही ठीक है, प्लेन में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स तो है ही, ऐसा सेट है जहाँ पर किन्हीं दो फिक्स पॉइंट्स से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे ये बात क्या थी, इस बात को समझने के लिए आप एक बार पुराना इलिप्स वाला टॉपिक समझो। इलिप्स में हमने देखा था कि डिस्टेंसेस का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी डिफरेंस वही बात है लेकिन डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट होता है। जैसे कोई ये तो फिक्स पॉइंट है ठीक है, कोई पॉइंट है यहाँ पर को जैसे इसको पी वन कह रहे हैं ठीक है, यहाँ पर से इसका डिस्टेंस और यहाँ पर से इसका डिस्टेंस, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वहां हमने क्या कहा था, सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यहाँ पर हम कहते हैं जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा ठीक है। तो और यहाँ पर कोई जो फिक्स पॉइंट होते हैं इनको कहते हैं क्या, फोकस, फोकस भी आप कह सकते हैं एफ वन और एफ टू। तो इसके जो इसका जो आपको फिगर मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलता है ठीक है। कुछ इस तरह से, और इस पॉइंट को हम यहाँ ना लेके यहाँ पर ले लेते कि यहाँ पर कोई पॉइंट है ठीक है। तो फिगर गलत बन गए, तो कोई भी पॉइंट्स हैं जैसे मान लीजिए कोई पीवन पॉइंट है, इससे यहाँ का सम और इससे यहाँ का सम, सॉरी वो तो पहला बाहर तो सेम जाएगा, कोई ये पॉइंट है पीवन ठीक है, इससे एफ वन तक का डिस्टेंस और इससे एफ टू तक का डिस्टेंस, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ऐसे ही कोई यहाँ पर है पी टू, इस पॉइंट से एफ वन का डिस्टेंस और इससे एफ टू का डिस्टेंस, ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ ये से भी समझनी है, डिफरेंस का मतलब ये है कि बड़ी लेंथ में से अभी बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करेंगे, बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को माइनस कर रहे होंगे, ये वाली बात आपने यहाँ पे समझनी है ठीक है। दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स ठीक है, दो वर्टेक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ठीक है। अब इसके रिलेटेड थोड़ा सा बात समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, तो उसको समझने से पहले बार इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है। तो ये बात थी, अब ये जो दो फिक्स पॉइंट है ये इसके लिए कहलाते हैं फोकस, एंड दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स ठीक है। और इसका अगर फोकस की जो कंप्लीट लेंथ है ये हम नोट करते हैं इससे टू सी से ठीक है, और इस 2C का या फिर हम कहें इस वर्टेक्स का अगर हम परपेंडिकुलर पाई सकते हैं, जो वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन है जिसको हम 2A से डिनोट कर देते हैं ठीक है, इसका अगर परपेंडिकुलर पाई सकते हैं यहाँ पर को ड्रॉ कर दें, दिस इज कॉल्ड सेंटर ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, और फोकस से जाने वाली लाइन, फोकस से जाने वाला एक्सिस इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस ठीक है ओके। और वहां हमने इलिप्स में जो बात कही थी कि वी बी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर को ठीक इसका अपोजिट, अपोजिट इन द सेंस ये ना होके क्या चलता है बी स्क्वायर
is equal to c square minus a square, या हम कह रहे हैं b square equal to c square minus a square. इस वाली बात को हम यहाँ पे याद रखेंगे. एलिप्स में क्या था, b square equal to c square plus a square. वहां पर हमने देखा भी था ये वाली बात कैसे आ रही थी, यहाँ पर भी देखने की जरूरत नहीं है. अगर हम सीधे इसको एक्सटेंड करते हुए चलते हैं, b equal हो जाएगा root c square minus a square. तो ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2. तो हम यहाँ पे बता देंगे कि लेंथ ऑफ फोकाई ये हो जाएगा 2c, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा 2a, एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाएगा 2d. ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई होगी. अब इसी को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, इसकी इक्वेशन पे पढ़ें और इसके जो कहते हैं वर्टेक्स है या सेंटर है या फोकस है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी बात करें, तो उस पर बात करते हैं एक बार. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फिगर मैंने ड्रॉ किए हैं. ठीक, एक हॉरिजॉन्टली है और एक वर्टिकली हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. तो जो हॉरिजॉन्टली है उसकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म पे होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और जो वर्टिकली है उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये प्रूफ वहीं से होता है आपका जब हम दोनों डिफरेंस का सम लेते हुए चलते हैं. ठीक है, वहाँ से डिफरेंस लेते हुए चलते हैं तो वहाँ से आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड का प्रोसीजर आप अगर देखेंगे तो उतना आपको प्रूफ मिल जाएगा. हालांकि बहुत ज़्यादा उसका काम यहाँ पर होगा नहीं. ठीक है, तो बात करते हैं अगर इस तरह की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑब्वियस है ना, हम समझ सकते हैं अगर ऐसा इक्वेशन है तो ऐसा फिगर बना होगा. तो ऐसा फिगर बना होगा तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स फोकस के क्या होंगे, जहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, सी, क्योंकि पूरा हमने कहा था क्या होती है, दूसरी, तो इतना क्या होगा, सी. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस सी, यानी कि माइनस सी कॉमा जीरो और प्लस सी कॉमा जीरो. तो मैं अगर दोनों को सीधे सीधे कहूँ तो हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा जीरो इस केस में, इसके केस में. ऐसे ये जो वर्टेक्स है ये पूरा टू ए होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ए. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वर्टेक्स के, ये हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. ठीक, तो ये हो गए फोकस के. ऐसे अगर आपसे पूछ दे सेंटर तो हमेशा क्या रहेगा, 0.0 चलेगा. और अगर इसी में बात करें तो इसके हिसाब से ऊपर को चलेगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस 0.± c. और जो लेंथ ऑफ क्या है आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, यानी कि जो सॉरी वर्टेक्स की बात करो सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा, 0.± a. ठीक है, फोकस से जाने वाली लेंथ क्या हो जाती है, कॉन्जुगेट एक्सिस. तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, ट्रांसवर्स एक्सिस. ठीक है, और अगर बात करते हैं फिर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो सी जो हमने फॉर्मूला भी बताया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बी इक्वल टू, तो वहां से आप सी और ए लें, बी लेंगे, तो वहां से लेंथ ऑफ ये भी आ जाएगा 2b. और ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको ए और सी दिया होगा तो आप बी निकाल सकते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी आ जाएगी 2b से. ठीक है, तो यहां तक की बात समझ आ गई होगी. अब इसी में एक बार बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी, जो पहले भी पढ़ चुके हैं. इसेंट्रिसिटी भी यहाँ पर इक्वल टू सी अपॉन ए ही रहता है. ठीक है, इस बात को भी याद रखना. और लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम यानी कि ये फोकस से जाने वाली लेंथ परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लेटेस्ट रेक्टम. दरअसल ये बात तो पहले हम कर चुके हैं, तो इसको मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, 2b² / a. ठीक है, ये सारी बातें आप यहाँ पर नोट कर लेंगे. हालांकि ये बात हम पहले लिप्स वगैरह में देख चुके हैं कि लेटर सिस्टम क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होती है. आप उन वीडियोस को देखो, लेक्चर्स को देखो, आपको ये बात कि सेंसिटिविटी क्या है, लेटर सिस्टम क्या है, वहाँ पर ये बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी. तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं ले जा रहा हूँ. ठीक है, तो
यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरह के आपके क्लिप्स होंगे, इक्वेशन यहां पर को दे दिए हमने। अब एक बार एक क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि हमको आइडिया लग जाए कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो सीधे सीधे ये इस डायग्राम को फॉलो कर रहा है, यानी कि इस जो हमने फॉर्मूले या कह दें सीधे सीधे जो वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमने यहाँ पे बता दिया है। तो अब यानी कि ये आप इससे कंपेयर करते हैं तो ए स्क्वायर यानी कि 4 4 का स्क्वायर और यहाँ से बी इक्वल टू कितना 3। तो ये तो बात है आपको पता चली। अब आपसे कहते हैं फोकस बताओ, ठीक है, फोकाई बताओ और कहते हैं वर्टेक्स बताओ, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताओ, इसेंट्रिसिटी बताओ। तो यहाँ पर देखें अगर a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 3 है, तो अभी कमी एक c लाने की है। और c इक्वल टू हमने कहा भाई क्या होता है, c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 यानी कि c इक्वल टू 5। अब बताओ फोकस क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस 5.0 और वर्टेक्स क्या होंगे, प्लस माइनस 4.0। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इक्वल टू सी अपॉन ए यानी कि 5/4। और लेटर सेक्टर अगर आप देखते हो तो 2b² / a, ठीक है, तो b स्क्वायर कहाँ है, ठीक है, यानी कि 9/a, a मींस 4, क्या हो जाएगा 9/2, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन अपने बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, सिंपल सी, बहुत दिक्कत वाली बातें नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आप इलिप्स वाली वीडियो या फिर पैराबोला शुरुआत से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये कनेक्टेड है हर वीडियो एक दूसरे से, ठीक है। लेटर सेक्टम, इसेंट्रिसिटी और ये कहते हैं आपका ये बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाना, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाना, ये सब आपस में कनेक्टेड है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी आप इससे क्वेश्चन बनाएंगे, अगर नहीं बनते तो आप उसको बता सकते हैं, हम उस पर एक और वीडियो देख आएंगे, ओके।